और जनाब इस वक्त हम लोग उस तोप के ऊपर, उस टैंक के ऊपर खड़े हो गए हैं। ये देखें, ये रानी तोप के जनाब ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो ऊपर से खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। और ये वो तोप है, ये वो टैंक है या तोप है जो इंडिया पाकिस्तान में लेके आया था उनको मारने के लिए पाकिस्तानियों को, तो जनाब वो यहाँ छोड़ के भाग गया था। ये हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब? जी जनाब, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं सियालकोट फोर्ट पे, जिसको के सियालकोट किला भी कहा जाता है। और इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये देखिए आप, पूरा सिटी पीछे से मुझे नज़र आ रहा है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए, सियालकोट का जो किला है, जो सियालकोट फोर्ट है, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये कितने साल पुराना है और यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं इस वक्त। ये जनाब इस वक्त हम लोग काफ़ी हाइट पे, क्योंकि सियालकोट की सबसे जो ऊँची हाइट है वो यही हो सकती है, तो यहाँ से पूरे शहर का जो मंज़र है वो आपको नज़र आ रहा है। इसके बिल्कुल नीचे बाज़ार है, साथ बहुत बड़ी मार्केट है। और ये इस वक्त हम लोग शहर का जो ऊंचा तरीन मुकाम हो सकता है सियालकोट सिटी का, वहाँ पे हम लोग इस वक्त खड़े हैं। ये ज़रा यहाँ पे ये बुज़ुर्ग हस्ती हैं जो कि पीर मुराद अली शाह, पीर मुराद अली के नाम से जानी जाती हैं। तो शहीद अव्वल सियालकोट हज़रत पीर मुराद अली रहमतुल्लाह अलैह, ये इनकी तरी है। और सियालकोट के अव्वलिन शहीद होने का इनको दर्जा हासिल है। और ये बुज़ुर्ग जो हैं, ये काफ़ी सालों से, ये देखिए आप डेट देख लें, 2000 ईस्वी, तो यहाँ पे ये मदफून है। पीर मुराद अली से तो हम बाहर आ चुके हैं, और ये बिल्कुल इसके सामने का मंज़र। और यहाँ पे ये टीएमए का ऑफिस भी यहाँ पे ही है, और उसके अलावा यहाँ पे थाना भी है, और बहुत से जितने भी सरकारी काम हैं सियालकोट सिटी के हवाले से वो यहाँ पे सर अंजाम दिए जाते हैं। जी व्यूवर्स, ये है वो टैंक, या इसको आप तोप कह सकते हैं, वैसे इसको रानी तोप बोला जाता है। तो ये इंडिया की तरफ से जब 1965 या 1971 में जब अटैक किया गया था, तो ये इंडिया की तरफ से यहाँ पे आई थी, और पाकिस्तानी जो आर्मी है उसके जवाब पे वो इसको यहाँ पे छोड़ के भाग गए थे। तो उस वक्त से इसको यहाँ पे यादगार के तौर पे जनाब रखा गया है। तो ये टैंक नुमा है, लेकिन इसको रानी तोप कहा जाता है। बेसिकली ये तोप है, ये टैंक नहीं है। ये जनाब इसके पट्टा जो होता है, ये वो है, ये इसके टायर वगैरह, और ये इसकी जो क्या कहते हैं मेन जो नाली होती है फायर करने के लिए। लोहे का एक पहाड़ आप इसको कह सकते हैं। इसको यादगार के तौर पे यहाँ पे सियालकोट फोर्ट है, यहाँ पे इसको जनाब रखा गया है। और जनाब इस वक्त हम लोग उस तोप के ऊपर, उस टैंक के ऊपर खड़े हो गए हैं। ये देखें, ये रानी तोप के जनाब ऊपर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, तो ऊपर से खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ। और ये वो तोप है, ये वो टैंक है या तोप है जो इंडिया पाकिस्तान में लेके आया था उनको मारने के लिए पाकिस्तानियों को, तो जनाब वो यहाँ छोड़ के भाग गया था। ये वो जनाब, ये वो टैंक है। जी व्यूवर्स, वो पीछे रानी तोप और टैंक है, वहाँ से हम नीचे उतर आए हैं, अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे एक और बुज़ुर्ग का जो है मदफून है, वो देखते हैं वो कौन से बुज़ुर्ग हैं। बाहर आ लिए इस वक्त हम लोग, जो उसके बाहर ग्राउंड है वहाँ पे खड़े हैं। काफ़ी ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, बच्चे यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, और बस इसी तरह से यहाँ पे रोज़ जो रूटीन है, सरकारी काम भी होते रहते हैं, बच्चे खेलते भी रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऊपर कॉलेज भी है, जिसको किले वाला कॉलेज कहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो यहाँ पे इसी तरह से जो सिस्टम है वो किले में वो चलता रहता है। जी व्यूवर्स, अभी हम लोग किले से नीचे उतर रहे हैं,
और ये इसकी सड़क देखें कितनी ज़बरदस्त बनाई गई है। पहले ये सड़क इतनी डेवलप नहीं होती थी, लेकिन अभी इन्होंने इसको बना दिया है। और ये आपको सिटी का व्यू, जो बाजार का व्यू आपको नज़र आ रहा है, और ये साइड पे ये जो छोटा सा पहाड़ था, जो किला था सियालकोट का, ये उसका व्यू। और अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं, और मेरा ख्याल है इतनी वीडियो काफ़ी थी, क्योंकि ज़्यादा लंबी और डिटेल में अगर वीडियो बनाना शुरू करते हो लोग देखते नहीं है तो फ़ायदा नहीं है, इसलिए हमने शॉर्ट सा ये वीडियो हमने बनाई। तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा इंशाल्लाह। इसी तरह और भी बहुत सी वीडियोस और बहुत से इलाके आपके लिए लेके आता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।